न्यूट्रेला फूड तक में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ सगुना। एक ऐसी डिश जो आप चाहे तो सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं या फिर शाम को चाय के साथ अपने घर आए गेस्ट्स को सर्व कर सकते हैं। बनाने में बेहद आसान है और घर पर रखे सामान के साथ ही आप उसको बना सकते हैं। जी हाँ, हमारी आज की डिश है सोया नूडल्स कटलेट। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। और पहले हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटो, इसको पहले से ही मैंने यहाँ पे मैश करके रखा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्री कुक्ड न्यूट्रेला सोया ग्रैनुल्स। न्यूट्रेला ग्रैनुल्स जो कि आपकी सारी रेसिपीज के साथ बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है और इसको अपनी डाइट में शामिल करने से आपको मिलेगा प्रोटीन कंटेंट वो भी पूरे 52%। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मसाले। मसालों के लिए मेरे पास है यहाँ पर नमक, उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर और मेरे पास है यहाँ पर धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च। और इस मसाले को इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही काट के रखी हुई है बीन्स। बीन्स के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन कैप्सिकम का, उसके बाद मेरे पास है कैरेट। आप जितनी चाहें वेजीज इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स आमतौर पे खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे कटलेट के अंदर डाल के आप उनकी डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इस रेसिपी को बच्चों के लिए और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बॉइल्ड नूडल्स का। थोड़े से बॉइल्ड नूडल्स मेरी इस रेसिपी के अंदर जाएंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम यहां पर मिक्स कर लेंगे। तो डो यहाँ बनके तैयार हो चुका है। अब हमको इसको कटलेट की एक शेप देनी है। आप इसको जैसी मर्जी चाहे शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपके बच्चों को खाने में पसंद आए वो देने की कोशिश कीजिए। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको गोल टिक्की की शेप में बना रही हूँ। तो बनके तैयार हो चुकी है यहाँ पर टिक्की की फॉर्म मैंने इन कटलेट्स को दी है और अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का। और तेल यहाँ गरम हो चुका है, बहुत ही आराम से एक एक करके हम इसको फ्राइंग पैन में डालते हैं। तो बनके तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और चलिए इसको हम प्लेट कर लेते हैं। तो एक और हेल्दी रेसिपी यहाँ पे बनके तैयार है। हमने इसको यहाँ पे डीप फ्राई ना करके शैलो फ्राई किया है। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए न्यूट्रेला फूड तक और हमें लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।